हाय फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज मैं कौन सा रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और आज के जो ये वीडियो है वो पेरेंट्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उसमें जितने से भी पेरेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो काफ़ी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, क्योंकि आज मैं ये दोनों जो इंडिया में जो टॉप दो ब्रांड हैं बेबी शैम्पू बेबी क्रीम रिलेटेड, वो जॉनसन और हिमालय के दो ब्रांड हैं। ये दोनों में अक्सर पेरेंट्स का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा यूज़ करूँ। मैंने मेरे बच्चे के लिए मैंने दोनों ही यूज़ किए। तो पहले मैं दोनों के पैकेजिंग के बारे में बात कर लेती हूँ। ये एक्चुअली हिमालय का जो है ये है 200 ml के, और इसके प्राइस है 155 rupees, और इसके शेल्फ लाइफ है 3 years। ये भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दो जगह पे इजीली मिल जाएगा। अभी बात करते हैं जॉनसन के, ये 100 ml के हैं लेकिन इसका प्राइस है 87 rupees, और इसके भी शेल्फ लाइफ 3 years है। ऑनलाइन ऑफलाइन दो जगह पे ये अवेलेबल है। तो प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी पैकेजिंग की बात करते हैं, दोनों ही प्लास्टिक पैकेजिंग है, दोनों ही ऊपर फ्लैप कवर है, और ये जैसे ट्रांसपेरेंट है दिख रहा है, और ये एकदम व्हाइट कलर के फिल्ड कंटेनर है। और दोनों जो शैम्पू है हिमालय और जॉनसन दोनों ही ट्रांसपेरेंट है। दोनों ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये हिमालय बेबी केयर जो शैम्पू है ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज से बने गए हैं, लेकिन दोनों ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, दोनों ही पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, और दोनों के दोनों शैम्पू नो मोर टीयर्स है, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप पे इसमें जैसे जो जितने भी इंग्रीडियंट्स हैं लाइक हिबिस्कस है, खसखस है, सॉरी खुसखुस है, चिकपी है, ये सब बच्चे के जो स्कैल्प जो है ना उसको एक कूल एक बहुत ही ठंडक सा महसूस करवाते हैं। वैसे जॉनसन भी बहुत बच्चे को नरिशिंग प्रोवाइड करते हैं, एक बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं दोनों शैम्पू। लेकिन दोनों में से अगर एक को चूज़ करना है तो आप कैसे चूज़ करेंगे? ये तो ओवरऑल जो इसके जो बैक कवर है जो वही मैंने आपको बताया, तो इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं बता देती हूँ। अगर बच्चे के स्कैल्प में इन्फेक्शन टाइप के कुछ है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगी आप हिमालय यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कम होने में, या बच्चे को कभी कभी डैंड्रफ के जैसे व्हाइट व्हाइट हो जाता है स्कैल्प पे, तो उसके लिए हिमालय के जो शैम्पू है वो बहुत अच्छे हैं। और अगर बच्चे के स्कैल्प एकदम नॉर्मल है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देख के तो हम लोग भी परचेस नहीं करते हैं। हम लोग लास्ट में वही देखते हैं कि कितने अच्छे से क्लीन हो रहे हैं और हेयर कैसा शाइनी फील कर रहा है। तो दोनों अगर आप नॉर्मल स्कैल्प पे यूज़ करते हो तो जॉनसन यूज़ करने के बाद वो बच्चे के जो हेयर है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है, सिल्की, एक नरिशमेंट है, बहुत ज़्यादा नरिशस लगता है, बहुत ज़्यादा सिल्की मीन्स शाइनी एक हेयर मुझे ऐसा लगता है दिखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो जॉनसन के शैम्पूस का थोड़ा सा बेटर है हिमालय से। और अगर आप एकदम कुछ भी इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ भी देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये हिमालय के जो शैम्पू है ये परचेस करना है। होपफुली आप लोग अभी नेक्स्ट टाइम से कंफ्यूज नहीं होंगे और आप सही से चूज़ कर पाएंगे आपको कौन सा यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय, टेक केयर।